कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, कई लोग होते हैं, ठीक है। तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है, इसके बाद हम अपना कोई भी एक टॉपिक लेंगे। और जितने मैंने क्लासे लगाई है, प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप अपना साथ के साथ काम कंप्लीट करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। तो हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं समांतर स्केलिंग। तो फर्स्ट की टॉपिक है बच्चों हमारा समांतर श्रेणी। पहली बात आती है कि समांतर श्रेणी है क्या। प्रश्न ये होता है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी से पहले बात ये है कि श्रेणी क्या है। श्रेणी यानी श्रेणी, ठीक है। जैसे बच्चों मान लिया मैं आपको ये बोलूं कि आपको नेचुरल नंबर बताने हैं 1 से लेकर 10 तक, नेचुरल नंबर बताने हैं 1 से लेकर 10 तक, या मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको सम संख्या बतानी है 10 तक बतानी है, ठीक है। मैं आपको यदि प्रश्न ये, मेरा प्रश्न ये है कि आपको सम संख्या बतानी है 5 से लेकर 10 तक, ठीक है, यानी 2 से लेकर 10 तक बतानी है आपको, ठीक है। अंतर समान रहे, ठीक है। तो पहला जो अवयव दिया होगा
व्यापक समांतर श्रेणी है क्या, पहला पद ए आएगा, उसके बाद ए प्लस बी आ गया, उसके बाद ए प्लस टू बी आएगा, उसके बाद ए प्लस थ्री डी आएगा, ठीक है, उसके बाद ए प्लस फोर डी आएगा, उसके बाद ए प्लस फाइव डी आएगा। इस प्रकार से बच्चों चलते ही जाएंगे, क्या है, चलते ही जाएंगे। इसमें ये होगा बच्चों हमारा पहला पद ए वन, ये होगा हमारा दूसरा पद ए टू, ये होगा हमारा तीसरा पद ए थ्री, ये होगा हमारा चौथा पद, ये होगा हमारा पांचवा पद, और ये होगा हमारा छठा पद। तो मैं क्या सातवां पद पूछूं, क्या पूछूं, सातवां पद पूछूं, तो आप झट से बता देना कि सर ए प्लस छह डी। यदि मैं आपसे पंद्रहवा पद पूछूं, कौन सा पद है, पंद्रहवा पद पूछूं, तो आप बता देना ये कम करके लिखना, छठा पद ए प्लस फाइव डी, सातवां ए प्लस छह डी, पंद्रहवा पद ए प्लस चौदह, ए प्लस चौदह डी, ठीक है, बात समझ में आई होगी, बात पकड़ में आई होगी, सिर्फ अच्छे से लिखिए, ठीक है। यदि मैं पहला पद पूछूं तो ए, दूसरा पद ए प्लस बी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी, पांचवा पद ए प्लस फोर डी, छठा पद ए प्लस फाइव डी। इस प्रकार से आपको पद जो है याद रखने हैं। दो बातें इंपॉर्टेंट लगी है, पहला पद प्रथम पद ए से और सारा नंबर बी से, ठीक है बच्चों, तो इसे आप लिखिए, फिर हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं।
पढ़ी है।